कभी बेमौसमी बारिश किसानों की फसल खराब करती है तो कभी प्रचंड सूखा। ऐसे में किसान अब धान और गेहूं की परंपरागत खेती को छोड़कर दूसरी फसलों की खेती का रुख कर रहे हैं। बात अगर पलवल की करें तो यहाँ पर 35 किसानों ने मशरूम की खेती की शुरुआत की है। इन किसानों को हरियाणा सरकार के सहयोग से उद्यान विभाग द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी। गांव नांगल ब्राह्मण के किसानों ने बताया है कि वो 1.5 एकड़ में मशरूम की खेती कर रहे हैं। इसके लिए कंपोस्ट खाद तैयार की जाती है। उन्होंने बताया कि 6 रूम बनाकर मशरूम की खेती कर रहे हैं। रोजाना वो 600 किलोग्राम मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि बाजारों में मशरूम के अच्छे दाम मिल रहे हैं। ऐसे में उन्हें हर महीने 20 लाख रुपए की आमदनी होती है और 5 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। और इसका एक प्रोसेस है, पूरा कंपोस्ट तैयार करके और फिर ये ग्रोइंग की जाती है रूमों में। 6 रूम है हमारे पास, तो इसका जो साइकिल वो चलता रहता है 12 महीने, उगता तो है ही नहीं। रोजना की एवरेज है इसकी 600 किलो। मार्केटिंग आजाद दिल्ली भी जाता है, फरीदाबाद भी है, और भी लोग यहाँ से लेके जाते हैं। लगभग एवरेज आपकी 100 किलो, 100 रुपये किलो पर मतलब आ जाती है। किसानों को करना चाहिए जी, अलग हट के करना चाहिए कुछ, और है प्रॉफिट तो है इसमें। तैयार तो इसका पूरा एक कंपोस्ट तैयार करके पहले फिर बैग भरे जाते हैं, फिर इसका पूरा उपचार है और इसका 2 महीने का एक साइकिल होता है, चलता रहता है जी। कंपोस्ट तैयार करके 7 डेज इसको पकाया जाता है, उसके बाद इसको 10-10 किलो के बैग में कमरे में भरा जाता है। एक कमरे में कम से कम 3000 बैग आ जाते हैं। 3000 बैग के बाद उसको जो है टेम्परेचर मेंटेन करके उसको जो है धीरे धीरे मशरूम की खेती करना शुरू कर देते हैं। तकरीबन 1 महीने में ये फसल हमारी तैयार हो जाती है। एक बार लगने के बाद इसमें 3 बार फसल आती है, धीरे धीरे करके 3 बार में हम इसकी कटिंग करते हैं। 3 बार कटिंग करने के लिए फिर हम इसको 200 ग्राम के एक पैनेट में पैक करके आजादपुर मंडी दिल्ली भेज। मशरूम की खेती करने वाले किसानों ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि परंपरागत खेती को छोड़कर मशरूम की खेती करें और अपनी आमदनी को बढ़ाएं। किसानों ने बताया कि मशरूम का प्रोजेक्ट तैयार कर 1 सप्ताह में इसे पकाया जाता है। कंपोस्ट को 10 किलो के बैग में भरकर कमरे में भरा जाता है। एक कमरे में 3000 बैग आ जाते हैं। कमरे का तापमान मशरूम की खेती के अनुरूप किया जाता है, जिसके बाद मशरूम की फसल 1 महीने में तैयार हो जाती है। तो वहीं जिला उद्यान विभाग पलवल अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रजाक ने बताया कि मशरूम की खेती करना किसानों की आय को बढ़ाने का सबसे अच्छा साधन है। किसान बटन मशरूम की खेती कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। 40% अनुदान राशि है या 20 लाख के प्रोजेक्ट पे 8 लाख सब्सिडी, 40 लाख के प्रोजेक्ट पे 16 लाख की सब्सिडी। अब तक जो यहाँ मशरूम उत्पादन का कार्य जो पलवल जिले में चल रहा है, उसमें 3 प्रोजेक्ट अभी कार्यरत है। एक धतीर में है, एक हथीन में है और एक नांगल ब्राह्मण में है। नांगल ब्राह्मण का है, वो सबसे बड़ा है। उसमें लगभग 600 किलो पर डे का बटन मशरूम उत्पादन करने की क्षमता है। वो मिस्टर दयाकिशन शर्मा ने लगाया हुआ, वो बागवानी विभाग से 16 लाख रुपए का अनुदान राशि उनको दी गई है। इसके अतिरिक्त जो किसान मशरूम लगाने वाले हैं, उन्होंने जिन्होंने आवेदन दिया वो लगभग 35 किसानों ने आवेदन दिया अभी तक, और उनकी सभी की ट्रेनिंग KVK मिंडकोला से कराए जाने के लिए हमने उनको प्रपोजल भेजा है। जैसे ही वो ट्रेनिंग हो जाएगी और वो किसान मशरूम की कंपोस्ट लगाएंगे, मशरूम की खेती करेंगे, हम उसमें अनुदान राशि किसानों को दे देंगे। ट्रेस के ऊपर जो SC फैमिलीज हैं उनके लिए 25,500 रुपये 100 ट्रे के ऊपर अनुदान राशि है। डॉक्टर अब्दुल रजाक ने बताया कि मशरूम की खेती करने पर किसानों को 40% अनुदान प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पलवल जिले में मशरूम के 3 प्रोजेक्ट कार्यरत हैं। विभाग द्वारा किसानों को मशरूम के प्रोजेक्ट पर अनुदान दिया जाता है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।